एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। महाराष्ट्र में नांदेड़ के शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हुई। जान गंवाने वालों में 12 बच्चे, 7 महिलाएं और 5 पुरुष है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सभी की मौत 30 सितंबर रात 12 बजे से 1 अक्टूबर रात 12 बजे के बीच हुई। इन मौतों के बाद परिजन ने अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल में 500 बेड की व्यवस्था है, लेकिन 1200 मरीज भर्ती है। इनमें 70 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर है। 2 अक्टूबर को यह मामला मीडिया में आया। इस बारे में जब अस्पताल प्रशासन से सवाल पूछा गया तो दिन भर में हुई इन मौतों को सामान्य घटना बता रहा था। प्रशासन ने कहा कि 4 मरीजों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, 1 मरीज का लीवर फेल हुआ था, 1 मरीज की मौत जहर खाने से हुई, 2 की संक्रमण और 1 महिला की मौत डिलीवरी के वक्त ज्यादा ब्लड बहने से हुई। वहीं अन्य मौतों की जांच चल रही है। उधर देर शाम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर श्याम राव वाकोड़े ने कहा कि अस्पताल में स्नेक बाइट और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की कमी है। इन दवाओं की आपूर्ति बंद कर दी है। अस्पताल से लगातार कर्मचारियों का तबादला किया जा रहा है, ऐसे में हमारे पास स्टाफ भी कम है। अस्पताल के डीन ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 6 लड़के और 6 लड़कियों की मौत हुई है। हम थर्ड लेवल के देखभाल केंद्र हैं और 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में एकमात्र सरकारी अस्पताल है, इसलिए दूर दूर से मरीज हमारे पास आते हैं। कुछ दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और यह बजट के लिए समस्या पैदा कर देता है। डीन ने बताया कि हमें हाफकिन नाम के एक संस्थान से दवाइयां खरीदनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।